सिरसा के खारिया में होने वाले रैली को लेकर तैयारियां तेज हैं। बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने दावा किया कि आगामी रैली चुनाव के बाद की सबसे बड़ी रैली होगी। हरियाणा सरकार के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह 8 मार्च को खारिया में एक रैली करने जा रहे हैं, जिसमें बतौर चीफ गेस्ट सीएम मनोहर लाल शिरकत करेंगे। चौधरी रणजीत सिंह रैली के ऐतिहासिक रहने का दावा कर रहे हैं, साथ ही उन्हें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री इलाके के विकास के लिए करोड़ों की सौगात देकर जाएंगे। जबरदस्त रैली होगी, जो मैंने बता दिया, मैं लंबी बातें तो नहीं कहता, पर सरसा की हिस्ट्री में इतनी बड़ी रैली नहीं हुई। देखिए, हमारा इलाके का काम है मुख्यमंत्री से मांगना, करना उन्होंने क्या करेंगे उनके भी वेग पे है। हमें पूरा इलाके को भरोसा, उम्मीद है कि सीएम साहब सबसे पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट में रैली रखी है, बहुत बहुत लोगों की भावनाओं की बहुत कदर करेंगे। चौधरी रणजीत सिंह का कहना है कि सरकार नशे पर अंकुश लगाने की दिशा में गंभीर प्रयास कर रही है। विपक्ष के आरोपों को नकारते हुए उन्होंने दावा किया कि सिरसा में पंजाब से नशा आता है। उन्होंने सिरसा को जल्द नशा मुक्त किए जाने का भरोसा जताया। मुझे पता नहीं पवन ने क्या कहा, मैं कल विधानसभा में नहीं था, मैं अपनी रैली की तैयारी में माफी मांग के आ गया था, पर नशे की जहाँ तक बात है, सरसा में पूरे हरियाणा में जितने केसेस पकड़े गए हैं उनका 75% केसेस अकेले यहाँ है, जो कि आंकड़ों में आया है। मैं तो यहाँ के एसपी को बधाई देता हूँ कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और सरसा ही गर्दन है नशे की जो पंजाब से आ रहा है। अगर ये काट दी गई तो मैं समझता हूँ कि सीएम साहब कुछ इसमें और एक्शन करने जा रहे हैं, कुछ यहाँ की मदद कर रहे हैं। चौधरी रणजीत सिंह ने बीते दिनों पेश किए सरकार के बजट को बेहतर करार दिया। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को नकारते हुए कहा कि विकास कार्यों के लिए कर्ज लेना पड़ता है। सिरसा से विजय कुमार के साथ जी मीडिया।